हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी दोस्त, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम एक नया पाठ आपकी पाठ्य पुस्तिका तरंग बाय अमित पब्लिकेशन से करने जा रहे हैं, पाठ 6, जिसका शीर्षक है, पाठ का नाम है धूर्त से दोस्ती। धूर्त कौन होता है बच्चों? धूर्त बहुत ही जो कपटी होता है उसको बोलते हैं धूर्त, धूर्त से दोस्ती। तो सबसे पहले आप देखिए कौन कौन से जानवर बने हुए हैं। शेर बना हुआ है, कुत्ता बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, और इनका प्रिय भोजन क्या है? शेर का प्रिय भोजन तो मांस होता है, और कुत्ता तो कुछ भी खा लेता है, हड्डी भी खाता है, रोटी भी खाता है, उसको कुछ भी दो वो खा लेता है। और हाथी का प्रिय भोजन होता है केले, गन्ना, ये दो इसके सबसे प्रिय भोजन होते हैं। और स्थान, शेर गुफा में रहता है, कुत्ता कहीं भी सड़क के किनारे, कहीं भी कुत्ता रह लेता है, और हाथी का स्थान है जंगल, हाथी जो है वो जंगलों में रहता है। तो बच्चों पाठ प्रवेश, दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है जो दो व्यक्तियों के बीच में एक गहरा और विश्वसनीय संबंध बनाता है। यह रिश्ता प्रेम और समझ पर आधारित होता है। दोस्ती में विश्वास और संवेदना की भावना होती है जो एक व्यक्ति को दूसरे की भावनाओं को समझने में सहायक होती है। संक्षेप रूप से ये कहा जा सकता है, दोस्ती एक रिश्ते का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण की मिठास होती है। आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक मुर्गा था, सांप उसका दोस्त था। मुर्गा समय का पाबंद, मतलब वो बहुत पंक्चुअल था। समय का पाबंद मतलब जो चीज जिस समय करनी है वो उसी समय करनी है, तो उसको क्या बोलते हैं? समय का पाबंद। सुबह के 4 बजते ही मुर्गा बांग दे देता था। कैसे? कुकड़ों को, ये बांग होता है ना, तो मुर्गा बांग दे देता। वह बांग देना कभी नहीं भूलता, गर्मी हो या बरसात, न कोई भी मौसम हो, कड़ाके की सर्दी में भी मुर्गा बांग 4 बजे दे देता। पशु पक्षी ही नहीं, मनुष्य भी मुर्गे की बांग सुनकर अनुमान, यानी कि उन्हें पता चल जाता था, आइडिया लगा लेते थे कि सुबह के 4 बज गए हैं। मुर्गे की बांग सुनकर ही सभी अपनी दिनचर्या शुरू करते। वहीं एक सांप बड़ा ही आलसी था। दिन भर वो अपने बिल में सोया रहता। भूख लगने पर ही वह उठता, शिकार करने में भी उसे क्या होता था? उसे आलस आता था। कई बार तो वह मुर्गे के भोजन से ही अपनी भूख मिटाता। मुर्गा सांप को समझाता, मगर सांप उसकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता, मतलब वो सुनता ही नहीं था। मुर्गे की सांप से दोस्ती का सभी को पता था। एक दिन तोते ने मुर्गे से कहा, मुर्गे भाई बुरा मत मानना, तुम बहुत ही भोले हो। बुजुर्गों का कहना है कि मित्रता अपने कुल और बिरादरी में ही फलती फूलती है। सांप का और तुम्हारा कोई मेल है ही नहीं। डसना सांप की आदत में शामिल होता है, वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुर्गे को तोते की बात बुरी लगी। उसने पलट कर जवाब दिया, तुम्हें हमारी दोस्ती भा नहीं रही होगी, तुम्हें क्या, मैं चाहे जो करूं। यह सुनकर तोता चुप हो गया। समय गुजरता गया, सर्दी के दिन थे। मुर्गा एक-एक दाना चुगकर पेड़ की कोटर में जमा कर रहा था ताकि बारिश के दिनों में खाने का गुजारा हो सके। शाम को जब मुर्गा चोंच में एक और दाना लेकर आया तो कोटर में सांप मुर्गे का जमा भोजन हड़प कर चुका था। मुर्गे को गुस्सा आ गया, वह सांप पर भड़क उठा। उसने सांप से कहा, तुम मक्कार हो, आलसी कहीं के, जरा भी शर्म होती तो दिन भर शिकार करते और रात को आराम से सोते, मगर तुम्हें तो नींद प्यारी है। मेरे भोजन पर हमेशा तुम्हारी नजर रहती है, धूर्त कहीं के, दोस्ती के नाम पर तुम तो कलंक हो। ये किसने डांटा? ये मुर्गे ने सांप को डांटा। सांप चुप रहा, मगर उसने ठान लिया कि इस अपमान का बदला एक दिन जरूर लेना है। उसने मन ही मन में संकल्प लेते हुए कहा, मुर्गे बहुत फड़फड़ाता है, तुझे
ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब सांप मुर्गे को सबक सिखाने की युक्ति सोचने लगा। युक्ति का मतलब प्लान करने लगा, कुछ तरकीब सोचने लगा। उसने मुर्गे के साथ दोस्त का व्यवहार नहीं छोड़ा, वो बिल्कुल वैसे ही उसके साथ रहता था जैसे एक अच्छा दोस्त रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसको एक जूता बदला लेने के बारे में सोचता रहा। बल्कि वह दिखावे के लिए मुर्गे के लिए भी शिकार पकड़ कर लाता, दोनों एक ही थाली में खाते। मुर्गा मन ही मन सांप की दोस्ती पर बड़ा नाज करता, बड़ा प्राउड फील करता कि वाह मेरी सांप के साथ दोस्ती है। सांप जान चुका था कि मुर्गे को भोजन में मक्का के दाने बहुत पसंद है। एक दिन की बात है, दोनों पेड़ की कोटर में बैठे सुस्ता रहे थे। सांप ने मुर्गे से कहा, अगर ये कोटर मक्का के दानों से भर जाए। ऐसे बोला सांप ने। सांप ने मुर्गा से बोला कि अगर ये कोटर मक्का के दानों से भर जाए। यह सुनकर मुर्गा उछल पड़ा। सांप ने आगे कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूं, इस पेड़ के नीचे चूहे का महल है। कल सुबह वो किसान के खेत में हमला बोल रहे हैं। तुम तो जानते हो किसानों की मक्का की फसल पक चुकी है। चूहे मक्का की फसल कटने से पहले ही अपना भंडार भरते हैं, तो कल सुबह जैसे ही तुम बांग दोगे, चूहों का झुंड किसानों के खेत से मक्का के दानों से अपना भंडार भरना शुरू कर देगा। कल सुबह होने से पहले वो जितना अनाज अपने भंडार में भर लेंगे, उनके कई महीनों का तो प्रबंध हो ही जाएगा। अगर तुम रात के 12 बजे ही बांग दोगे तो क्या होगा, तो उन्हें सुबह तक का काफी समय मिल जाएगा। जब वे अपना भंडार भर लेंगे तब मैं उन पर हमला बोल दूंगा। मेरे डर से चूहे अपना भंडार क्या महल छोड़कर भाग जाएंगे, बस फिर क्या उनके भंडार पर हम कब्जा कर लेंगे। तो ये सांप ने मुर्गे को युक्ति बताई, तो मुर्गा जो था वो सांप की बातों में आ गया। वह बोला, बस इतनी सी बात है, तुम कहो तो मैं रात के 9 बजे ही बांग दे देता हूं। अरे नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। चूहे थके हुए होंगे, उन्हें कुछ घंटे आराम तो करने दो। तुम रात के 12 बजे ही जोर जोर से बांग देना। अब तुम सो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ही नींद ना खुले और हमारी योजना धरी के धरी रह जाए। तो फिर यह कहकर सांप जो था सोने का नाटक करने लगा। उधर मुर्गे की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में नींद कहाँ थी, वो तो मक्का के दानों के भंडार की कल्पना में डूब चुका था। देखो सांप जो था उसको कितना बुद्धू बना रहा था, है ना। तो रात के 12 बज चुके थे, मुर्गे ने बांग देनी शुरू कर दी। आसपास के पशु पक्षियों ने सोचा कि शायद सुबह हो गई है। उधर मनुष्यों ने भी सोचा कि सुबह के 4 बज गए, क्योंकि मुर्गा जो था रोज 4 बजे बांग देता था ना, तो उन्होंने भी सोचा मनुष्यों ने कि शायद सुबह के 4 बज चुके हैं। सभी अपनी दिनचर्या के लिए उठे। सभी ने अपने घरों से बाहर आकर देखा तो आसमान में तारे चमक रहे थे। मुर्गा अभी भी बांग दे रहा था। पशु पक्षियों सहित मनुष्य भी बाहर अंधेरा देखकर समझ गए कि मुर्गे ने आज 4 बजे की जगह रात के अंधेरे में ही बांग दे दी है। मुर्गे ने देखा कि एक भी चूहा बिल से बाहर नहीं आया। उसने सांप से कहा, मुझे तो कोई चूहा नजर नहीं आ रहा है, चूहों को क्या मेरी बांग नहीं सुनाई दे रही होगी। सांप ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, चूहे थके होंगे। तुम ऐसा करो, बीच चौराहे पर जाकर जोर जोर से बांध दो। आपने देखा सांप चूहे मुर्गे को कैसा बेवकूफ बना रहा था। तो बेचारा मुर्गा चौराहे पर जाकर बांग देने लगा। एक बार जाकर मनुष्य दोबारा सो चुके थे। मुर्गे की बेवक्त की बांग सुनकर मनुष्य लाठी लेकर चौराहे पर जमा हो गए। मुर्गा आंख मूंदे बांग देने में मस्त था। मनुष्यों ने मुर्गे को घेर कर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। बेचारा मुर्गा जान बचाकर भागा। किसी ने कहा, यह मुर्गा पागल हो गया है, इसने रात को ही बांग देना शुरू कर दिया है, इसके भरोसे रहना बेकार है। अब समय देखने के लिए हमें कुछ और तरीका निकालना होगा।
इस तरह मक्कार सांप ने अपने अपमान का बदला ले लिया। धूर्त सांप से दोस्ती कर मुर्गे की मांग देने की साख भी गई। कहते हैं कि तभी से मनुष्य ने समय देखने के लिए किसका आविष्कार किया, घड़ी का आविष्कार किया। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने को देख के अपने कुल बिरादरी से ही हमें दोस्ती करनी चाहिए, जैसे कि तोते ने मुर्गे को समझाया था, लेकिन मुर्गा तो नहीं समझा था, है ना। तो और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्द, धूर्त, मक्कार, प्रबंध, बांग, शर्म, कल्पना, मित्रता, कलंक, दिनचर्या, बिरादरी, संकल्प, चौराहा, डसना, व्यवहार, बेवक्त, कोटर, भंडार और आविष्कार। और अब है शब्दार्थ, सांप यानी सर्प, शामिल, उपस्थित, झुंड का अर्थ है समूह, कब्जा का अर्थ है अधिकार, मूंदना का अर्थ है बंद करना और आविष्कार का अर्थ है खोज। और इसके बाद हम देखते हैं हमारे लिए क्या है, हमें पूछ हमसे पूछा है आप कैसे लोगों से दोस्ती करना पसंद करोगे और क्यों। हम अच्छे लोगों से, जो अच्छे दयालु लोग होते हैं, जो हम और अपने लेवल के, जो हमारे बिरादरी के होते हैं, हम देखकर ऐसे लोगों से दोस्ती पसंद करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो दिल के अच्छे होंगे। इसलिए मुर्गा कौन सी कल्पना में डूब गया था, मुर्गा मक्का के दानों की कल्पना में डूब गया था कि बहुत सारे मक्का के दाने होंगे और हम सब बैठ के मजे से खाएंगे, तो वो मक्का के दानों की कल्पना में डूब गया था। मक्कार सांप ने अपना बदला कैसे लिया, मक्कार सांप ने मुर्गे को बेवकूफ बनाया, उसे उसे कल्पना कराई कि हम चूहे जो है, हम चूहों का सारा मक्का का दाना अपने में भर लेंगे। और इस तरह उसने उसको उसको पहले उसने उसकी कल्पना कराई और उसने उसको बोला कि तुम चौराहे पे जाके बांग दो, जिससे उसकी उस जो मुर्गा था उसकी बातों में आ गया। उसने चौराहे पे रात के 12 बजे बांग देना शुरू कर दिया, जिससे मनुष्यों ने उसकी पिटाई कर दी और इस तरह से सांप ने मुर्गे से बदला ले लिया। और अब हमसे पूछा है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, मुर्गा कब बांग देता है, 4 बजे, 2 बजे, 12 बजे या 6 बजे, मुर्गा बांग देता है सुबह के 4 बजे। सांप कैसा था, मेहनती, वफादार, आलसी या समझदार, सांप था आलसी। मुर्गे को क्या खाना पसंद था, चना, मक्का, गन्ना, गन्ना या गेहूं, मुर्गे को मक्का पसंद था, तो मैंने मक्का के आगे निशान लगा दिया। और अब हमसे पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति, मुर्गे के हिसाब से दोस्ती आएगा इसमें, दोस्ती, मुर्गे की हिसाब से दोस्ती का सभी को पता था। मुर्गा एक एक दाना जो था चुगकर पेड़ की कोटर में जमा कर रहा था, मुर्गा इसमें क्या आएगा, चुगकर पेड़ की को, मुर्गा एक एक दाना चुगकर पेड़ की कोटर में जमा कर रहा था। मेरे भोजन पर तुम्हारी क्या है, मेरे भोजन पे तुम्हारी हमेशा नजर रहती है। सांप ने मुर्गे के साथ दोस्ती का नहीं छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, व्यवहार। सांप ने मुर्गे के साथ दोस्ती का व्यवहार नहीं छोड़ा, तो ये हमने करा। और अब हम चल रहे हैं आगे, अब हमसे पूछा गया है बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सही मेल मिलाओ। तो मैंने सबसे पहले जो है मुर्गा को मिला दिया समय का पाबंद, सांप के आगे कर दिया धूर्त, बिरादरी के आगे कर दिया कुल, दाना जो है दाना चुगकर और चूहा बिल। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सही मेल मिला दिया, हमने इसका मिलान कर दिया है। और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पर, हमसे पूछा हमसे वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले है समय का सांप समय का पाबंद था, बिल्कुल गलत, सांप बिल्कुल भी आलस, वो तो एक नंबर का आलसी था, मुर्गा बड़ा ही आलसी था, जी नहीं, मुर्गा तो समय का पाबंद था, तो ये भी गलत। सांप ने मुर्गे से अपने अपमान लेने के बदले की ठानी, जी हाँ उसने अपमान का बदला लेने की ठानी। मुर्गा मन ही मन सांप से दोस्त सांप की दोस्ती पर नाज करता था, जी हाँ उसे मन ही मन बड़ा खुश होता था कि मेरी तो सांप से दोस्ती है, तो ये बिल्कुल सही है। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, मुर्गे ने कहा जी नहीं, ये सांप ने कहा था, तो ये गलत है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर,
मुर्गा कितने बजे बांग देता था? बांग से लोग क्या अनुमान लगाते थे? मुर्गा 4 बजे का बांग लगाता था और लोग बग ये अनुमान लगा लेते थे कि अब सुबह के या प्रातः काल के 4 बज गए हैं क्योंकि मुर्गे ने बांग लगाई है। सांप कैसा था? वह सारा दिन क्या क्या करता था? सांप बहुत धूर्त था, वो एक नंबर का आलसी था, वो सारा टाइम अपने बिल में रहता था और जो मुर्गा अपना खाने का सामान भोजन लेके आता था वह उसका भोजन हड़प लेता था। एक दिन तोते ने मुर्गे से क्या कहा? एक दिन तोते ने मुर्गे से कहा कि भाई मुर्गा, तुम सांप से दोस्ती छोड़ दो क्योंकि इसका काम होता है डसना और अपने कुल और बिरादरी से ही दोस्ती सही रहती है। सांप ने क्या संकल्प लिया और क्यों? सांप ने संकल्प लिया, अपने अपमान का बदला लेने का संकल्प लिया क्योंकि उसको मुर्गे ने डांटा था कि तुम कितने धूर्त हो, तुम सारा मेरा खाने का सामान खा लेते हो, तुम एक नंबर के आलसी हो, तुम दोस्ती के नाम पे कलंक हो। कहानी के अंत में क्या होता है? कहानी के अंत में होता है मुर्गा जो होता है उसको सांप जो होता है उसको अपने अपमान का बदला ले लेता है। सांप जो सुबह रात को 12 बजे बांग लगा रहा था तो लोगों ने क्या सोचा कि शायद सुबह के 4 बज गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये तो अंधेरा ही है तो उन्होंने मुर्गे की बहुत पिटाई की और उन्होंने कह दिया कि अब हम इसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, अब हम अपना समय देखने का कुछ और इंतजाम करेंगे, कुछ और तरकीब करेंगे। तो कहानी के अंत में यह हुआ। और बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा है इस पाठ से आपने कुछ सीखा होगा। अगले पाठ में बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए आभार।